नमस्कार, मैं आपका सेवक मिहिर कोटेचा। आज 2 मई रात 9:30 बजे तक मुंबई के 547 नागरिकों का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है। 27 नागरिकों की आज मृत्यु हुई है। हमारे मुलुंड पूर्व पश्चिम मिला के आज 10 नागरिकों का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है। कुल मिला के आज तक 67 नागरिकों का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है, जिनमें से 16 नागरिकों को डिस्चार्ज मिल चुका है, 3 नागरिकों की मृत्यु हुई है और 48 एक्टिव केसेस हैं। आज मैंने काफी सोसाइटी मेंबर्स से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बातचीत की और आने वाले तीसरे चरण के लॉकडाउन में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस पे संक्षिप्त में चर्चा हुई। मैं आप सभी से और एक निवेदन करना चाहता हूं। आज एक व्हाट्सएप मैसेज पूरे मुलुंड में घुमा है कि रेड जोन में होने के बावजूद केंद्र के गृह मंत्रालय के आदेश अनुसार सभी दुकानें ऑफिसेस 33% लोगों के साथ खोलने की अनुमति मिल चुकी है। यह गलत है। केंद्र ने जो सर्कुलर एडवाइजरी निकाली है वह महाराष्ट्र शासन को भेजी है और महाराष्ट्र शासन और मुंबई महानगर पालिका परिस्थिति के अनुसार अपनी एडवाइजरी निकालेगी और अभी तक कोई एडवाइजरी नहीं आई है। इसलिए कृपा करके कोई असमंजस में न रहे। जो एसेंशियल सर्विसेज को अनुमति मिली है मात्र उन्हीं को कल से और 4 तारीख से भी खोलने की अनुमति है। आप सभी घर पे रहें, सुरक्षित रहें। जो भी नागरिक मेरे साथ सीधे संवाद करना चाहते हैं, कल फेसबुक लाइव पर मेरे साथ वह इंटरैक्ट कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज है मिहिर सी कोटेचा। कल रविवार 3 मई 11:00 बजे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।